प्रवीण चौहान, स्पेशल टीचर, ब्लॉक साल आवाज जिला झज्जर से। आज की इस वीडियो में आप सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, दिव्यांग बच्चों को, जो उनके लिए स्किल है, बिहेवियर है, गोल लेकर के आए हैं, बड़े और छोटे आकार को बताना, यानी लंबा, बड़ा, छोटा, ये आकार है, इसको बताना। जैसे बच्चे का करंट लेवल है, बच्चा जानता है पेड़ बड़ा होता है, लंबा होता है, ऊंचा होता है, ये बच्चे को जानकारी। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, आवश्यकता पड़ने पर 5 में से 4 बार सही आकार को बच्चा बताएगा, कितने टाइम में, 3 महीने में 2 में 6 में, वो हम सिलेक्ट कर लें। और सबसे पहले हम बच्चे को इस कार्य के लिए क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जैसे हमारे घर के बच्चे हैं या आस पड़ोस के बच्चे हैं, उनको इकट्ठा करें और जो हमारा दिव्यांग बच्चा है उनको बताएं कि इनमें से कौन कौन से बच्चे आपसे बड़े, और फिर आप किन किन से बड़े हो, इस प्रकार एक्टिविटी में शामिल करते हुए हम उन बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को मोटिवेट करें और फिर वो एक्टिविटी बच्चे को सिखाएं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिर बच्चे को छोटा गिलास उठाने को कहेंगे, फिर बड़ा गिलास उठाने को कहेंगे, फिर हम दोनों गिलासों को एक साथ रखने को कहेंगे, फिर दोनों गिलासों में से लंबे गिलास को हाथ लगाकर बताएंगे इनमें से लंबा ये गिलास है, छोटा ये है। फिर हम बताएंगे कि छोटा गिलास बड़े गिलास से कितना छोटा है, नाप करके हम बताएं या उंगली के इशारे से बताएं या कोई भी पैमाना हम रखें, लेकिन वो कंसेप्ट हम जरूर करवाएं कि छोटा गिलास बड़े गिलास से कितना छोटा है। फिर यह एक्टिविटी अलग अलग वस्तुओं से करवाई जाएगी, जैसे हम बड़ी बोतल ले लें, छोटी बोतल ले लें, मटका है घर में छोटा बड़ा मटका है, या लकड़ी के गुटके हैं, कुछ भी एक्टिविटी, पेन है, स्केच कलर है, जैसे चाय के कप होते हैं थर्माकोल वाले और पानी वाले गिलास होते हैं, इस प्रकार कोई भी जो वस्तुएं हैं वो हम ले सकते हैं और बार बार ये बच्चे से हम एक्टिविटी करवाएं। इस कार्य में जहां भी बच्चों की जरूरत है, जो हम उम्र के बच्चे हैं उसमें शामिल करें उन बच्चों को, उनकी भी मदद लें हम, और जहां पर भी आवश्यकता होती है बच्चे को शारीरिक सहायता दें, सांकेतिक सहायता दें और मौखिक सहायता, वो भी हम बच्चे को बीच बीच में देते रहें। तो जैसे जैसे बच्चा सीखता चला जाता है तो धीरे धीरे हमने ये सहायता उसकी कम कर देनी है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और जहां पर भी बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसको सोशल रिवार्ड हम देते रहें, बीच बीच में मोटिवेट उसको करते रहें, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस प्रकार से हम उसको बोलते रहें। और इस कार्य में माता पिता की और जो दिव्यांग बच्चा है उसके भाई बहनों की, पीयर ग्रुप की बहुत ही आवश्यकता होगी, तो इस एक्टिविटी में उनकी हमने सहायता लेनी है और ये एक्टिविटी बार बार हम करवाते रहें जब तक बच्चा सही प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, यानी सही प्रकार से जो हम पूछेंगे कि इन वस्तुओं में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी जब हम 5 में से 5 बार पूछते हैं और बच्चा 4 बार सही बता देता है तो समझ लो कि वो बच्चा इस कार्य में निपुण हो गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।